अब हम सीखेंगे कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि आज्ञा सूचक या आदेशवाचक जो वाक्य होते हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि लेट की मदद से इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले लेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा वो लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जो बनाएंगे वो लगाएंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, अगर नेगेटिव है तो बी की जगह नोट बी, और नेवर उसमें दिया हुआ है तो नेवर बी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव होगा तो डोंट से या फिर नेवर से स्टार्ट होते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें वाक्य का मूड देखना पड़ेगा कि वाक्य का भाव किस तरह का है। अगर उसके अंदर कोई आदेश दिया गया है तब तो हम यू आर ऑर्डर्ड टू करके उसको स्टार्ट करके बना देंगे। यदि उसमें कोई प्रार्थना की गई है, याचना की गई है, तब हम कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और उसकी सहायता से बना देंगे। यदि उसमें कोई सलाह दी गई है तो हम कर सकते हैं यू आर एडवाइज टू और यू आर सजेस्टेड टू। यानी वाक्य का जो भी मूड है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इनमें से कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वाक्य का भाव हो सकता है। यदि वो नेगेटिव है तो नोट टू या नेवर टू करेंगे, यानी यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, यू आर एडवाइज नोट टू या नेवर टू, यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू या नोट टू, इस तरह से कर देंगे। यदि सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली वर्ड्स आए हुए हैं तो उनको हम हटा देंगे। ये प्रार्थना को शो करते हैं, प्रार्थना के भाव को दिखाते हैं, प्लीज़ या काइंडली, कृपया, कृपया करके आप ऐसा कर दीजिए, यानी प्रार्थना का भाव ये दिखाते हैं। तो इस तरह के शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाएगा। अब ये है ओपन द डोर, एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये आदेश है, किसी को आदेश दिया गया है कि दरवाज़ा खोलो। अब इसको हम जो है दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है लेट, लेट उसके बाद नया सब्जेक्ट द डोर, वो लगा देंगे लेट द डोर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, लेट द डोर, उसके बाद बी लगा देंगे, नेगेटिव होगा तो नोट बी कर देंगे, लेट द डोर बी और थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, दरवाजे को खुल जाना, खुल जाने दो, दरवाजे को खुल जाने दो। या ये जो दूसरे वाला मेथड है ये और भी ज़्यादा अच्छे से वाक्य के भाव को प्रदर्शित करता है, तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आदेश का भाव है तो हम यूज़ कर देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, तो इसमें बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, आपको आदेश दिया जाता है कि दरवाज़ा खोलें, या आपको दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया जाता है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो अभी ये किसी को सलाह दी गई है, अगर वो कठोर मेहनत करता है तो उससे उसका फ़ायदा होगा। तो अगर किसी को कोई एडवाइस दी गई हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू, आगे सेम का सेम रहेगा जैसे इसमें किया था यू आर ऑर्डर्ड टू, आगे सेम का सेम ओपन द डोर, उसी तरह से यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब ये प्रार्थना के भाव को दिखाता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे प्रार्थना की जाती है मेरी सहायता करने के लिए, या आपसे मेरी सहायता करने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये जो रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है, ये सारे ऑर्डर्ड है, ये थर्ड फॉर्म है, और उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है जिससे कि ये पैसिव की सेंस को शो करता है। प्लीज़ या काइंडली जो वर्ड्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे लेट आई बी हेल्प्ड, डोंट और नेवर वेस्ट योर टाइम, किसी को सलाह दी गई है कि अपना समय खराब मत करो या कभी ख़राब मत करो, नेवर तो कभी ख़राब मत करो, तो ये किसी को सलाह है तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड
नॉट टू या नेवर टू वेस्ट योर टाइम। यू आर एडवाइज, आपको सलाह दी जाती है नॉट टू वेस्ट योर टाइम, अपना समय खराब मत करो, या नेवर टू वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी खराब न करने की तुम्हें सलाह दी जाती है। इसको हम जो है लेट की मदद से भी बना सकते हैं कि लेट योर टाइम नॉट बी या नेवर बी वेस्टेड। अपने समय को कभी भी खराब मत होने दो। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड और लेट योर टाइम नेवर बी वेस्टेड। लेट मी फिनिश इट, मुझे ये ख़त्म कर लेने दो। लेट मी फिनिश इट, मुझे ये ख़त्म करने दो। तो ये वाला वाक्य लेट से शुरू हो रहा है, इसको हम लेट की हेल्प से ही बना देंगे। लेट इट, इस तरफ ले आएंगे इट को, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। लेट इट बी, लेट इट सब्जेक्ट उसके बाद बी, लेट इट बी उसके बाद क्या करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट इट बी फिनिश्ड। लेट इट बी फिनिश्ड बाय मी, ये नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं थी। लेट जो होता है उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो यहां पर जो मी था इसका हमने आई नहीं करना, क्योंकि ये जहाँ पर आया हुआ है वो स्थान ऐसा नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट वाला स्थान है, तो वहाँ पर जो है हम सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें मी ही लगाना पड़ेगा। ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हम जो है इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ज़्यादातर हम जो सेकेंड वाला मेथड है, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस मेथड का यूज़ करते हैं वाक्य के मूड को पहचान करके।